बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या आप बता सकते हैं कि मशहूर जमाना अस्हाबे काफ अल्लाह ताला के किस नबी की शरीयत पर अमल करते थे? सही जवाब है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा थे। क्या आपको मालूम है कि इस्लाम में सबसे पहले शहरों को आबाद करने वाले कौन थे? सही जवाब है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो। क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के कितने नबी आसमान पर जिंदा हैं? सही जवाब है 2, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर यमन का काजी किसको बनाकर भेजा? सही जवाब है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को। हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के कितने अरसे के बाद हुई? सही जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक हफ्ता बाद दूसरे जुमातुल मुबारक को। क्या आपको मालूम है कि हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र मुबारक कितनी हुई? सही जवाब है, हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र मुबारक 997 साल हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हाबील के कत्ल होने के बाद कितना अरसा तक रोते रहे? सही जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम 40 साल तक रोते रहे। क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के कितने नबी ऐसे हैं जो जमीन पर जिंदा हैं? सही जवाब है 2, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। जब काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल किया तो वो लाश को कितने दिन लेकर घूमता रहा? सही जवाब है, कत्ल के बाद काबील को समझ नहीं आई कि लाश का क्या करे, वो 40 दिन तक लाश को पुश्त पर लादकर बियाबान में सरगर्दा रहा।